हेलो टीम एडुनिर्माण, कैसे हैं आप सब लोग। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 28 अगस्त की इनसाइट्स की करंट अफेयर्स की एक्सप्लेनेशन। आज इनसाइट्स ने बहुत लेंदी दे रखा था तो मैंने इसको काफ़ी ही क्रिस्प नोट्स में बनाया है, तो आप मेरे एफर्ट को बताइए आपको कैसा लगा, एंड इससे भी क्रिस्प मैं बना सकती हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले GS2 से का टॉपिक आर्टिकल 370 का क्रिटिसिज्म। अब हम आर्टिकल 370 की प्रेज में तो कुछ भी लिख सकते हैं, मेन पॉइंट क्या है, क्रिटिसिज्म, वो आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट ने फर्स्ट पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट हैज़ अचीव्ड इट नॉट थ्रू डिबेट एंड डेलिब्रेशन, कि मतलब जो पार्लियामेंट में डिबेट होता है उसके थ्रू नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्फस्केशन। ऑब्फस्केशन का मतलब है कि किसी चीज़ को कंसील करना, हाइड करना, और मतलब लोगों को दूसरे तरीके से कि भाई हम तो एक स्पष्ट राष्ट्र, एक राज्य, एक ही सरकार होनी चाहिए, दो झंडे नहीं होने चाहिए, जो ये जिंगोइज्म नेशनलिज्म फैला के जो ये करा गया है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्फस्केशन बोलते हैं इसको, जबकि इसको डिबेट एंड डेलिब्रेशन से करना चाहिए था। बिसाइड्स ये टास्क कब हुआ, जब प्रेसिडेंट रूल था वहाँ पे, ऑब्वियसली हमें पता है पहले जम्मू कश्मीर में जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 90 है वो क्या कहता है कि पहले गवर्नर्स रूल लगेगा फिर प्रेसिडेंट रूल लगेगा, ठीक है। तो जब प्रेसिडेंट रूल था तब किया गया। पार्लियामेंट इज़ नाउ स्टेप्ड इनटू शूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, मीन्स पार्लियामेंट अब वहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का काम कर रही है जबकि वहाँ के सारे लीडर्स हाउस अरेस्ट में। ये तो जस्ट इमरजेंसी लाइक सिचुएशन होगी ना जो 1975 में हुई थी। Then people of states were afforded neither an opportunity to speak for themselves nor a chance to speak through their own elected, ना ही elected representatives को बोलने दिया, ना उनको खुद बोलने दिया, ना कोई plebiscite, ना कोई referendum, कुछ नहीं। That is just एक तौर से military, मतलब military का enforcement कर दिया गया उन लोगों पर। No doubt this arrangement was meant to be temporary, हाँ हमें पता है, but it was temporary only in the sense that structure of governance would eventually be elucidated by JNK constitution। इसका ये क्या कह रहा है, माना कि temporary था but जम्मू कश्मीर की हार के तो जम्मू कश्मीर के constitution को ही decide करना था, वहाँ के representatives को decide करना था। ये थोड़ी है कि हमारे parliament और हमारे जो वहाँ पर हमने governor भेजा वो उनकी जगह ले। So this is criticism, तो एक ये constructive criticism है जिसको आप paper में लिख सकते हैं। कंक्लूजन क्या है, रिगार्डलेस ऑफ द एंड ऑफ द एंड, मतलब चाहे गवर्नमेंट जो भी जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म फैला ले बट हार के तो यही बात निकलेगी ना कि स्टेट एक्शन इज़ बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो रूल ऑफ लॉ का मतलब यही है कि भाई जो स्टेट एक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स में ही होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्फस्केशन नहीं होना चाहिए। एंड मैनर ऑफ एब्रोगेशन वॉज अनलॉफुल, हमें पता है जो जिस तरह से 370 हटाई, ये नहीं बोल 370 हटाना गलत है, जिस तरह से हटाया था मैनर, दैट इज़ रॉन्ग। सो ये है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, आप इसको ध्यान रखिए। सेकेंड इज़ अबाउट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब आप खुद देख लीजिए मैंने इसको कितना क्रिस्प बनाया है एंड इनसाइट्स में बहुत लेंथी दे रखा था, ठीक है। वाई पीपल स्टिल रिलाई ऑन चूल्हास, क्यों, क्योंकि उनको लगता है फूड हेल्थी होता है एंड टेस्टी होता है, ये तो वैसे हमें भी पता है, बट हु मेक्स इट ऑल्सो बिकम हेल्थी, कि जब वो स्मोक उनकी आँखों में घुसती है तो उनकी आँखें प्योरीफाई हो जाती हैं, होते हैं भाई लोगों के अलग अलग कॉन्सेप्ट, तो ये इसीलिए अभी वो LPG की तरफ शिफ्ट नहीं करना चाहते। अब PM प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का क्या मतलब है कि कोई भी एक घर की अडल्ट वुमेन है, वुमेन मेंबर ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL से नीचे वाली फैमिली होनी चाहिए, उसकी उस घर की अडल्ट वुमेन को डिपॉजिट फ्री LPG मिलेगा प्लस फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹1600 पर कनेक्शन मिलेगी, ठीक है। और ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 वाली सेंसस में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग अडल्ट वुमेन को। अब ये देखिए कि एक अडल्ट वुमेन के नाम पे LPG कनेक्शन मिल रहा है तो ऑब्वियसली वुमेन एम्पावरमेंट तो होगी इसकी, तो ये कौन कंडक्ट करता है ये उज्ज्वला योजना, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बेनिफिट क्या होगा, वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ बेटरमेंट होगी ऑब्वियसली, क्यों, ये स्टैटिस्टिक्स है, ये याद रखना कि हाउसहोल्ड एयर पॉल्यूशन जो होता है सेकेंड लीडिंग कॉज फॉर इंडियाज़ डिजीज़ बर्डन, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का डाटा है कि जो ओवरऑल इंडिया का डिजीज़ बर्डन है उसका सेकेंड मेन कॉज है हाउसहोल्ड में जो एयर पॉल्यूशन होती है, जैसे चूल्हास वगैरह जो होती है, एंड जो सॉलिड फ्यूल का यूज़ है दैट कॉजेज 13% मोर्टैलिटी एंड मॉर्बिडिटी इन इंडिया, सेज WHO ने भी बोला कि 13% मोर्टैलिटी है कारण सॉलिड फ्यूल यूज़ है इंडिया में। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि ट्रूली स्मोकलेस किचन रिक्वायर्ड कंसर्टेड एफर्ट्स कटिंग अक्रॉस मिनिस्ट्रीज बियॉन्ड पेट्रोलियम नेचुरल गैस इंक्लूडिंग हेल्थ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, मतलब सारी मिनिस्ट्री का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा तब जाके ये चीज़ काम करेगी, ऐसे नहीं कि भाई पेट्रोलियम इंडस्ट्री वालों ने हाँ कर दी तो ये चीज़ हो जाएगी, ये तो हमें पता ही है। देन इज़ प्रोजेक्ट श्योर,
ठीक है, प्रोजेक्ट श्योर ये हमने ऑलरेडी ही डिस्कस करा था, ठीक है, कल के जो करंट अफेयर्स आए थे इनसाइट्स के, आप रोज डेली के देखेंगे ना तो आपको कनेक्ट हो जाएगा इजीली, तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखिए और प्लीज़ उनको लाइक करिएगा। प्रोजेक्ट श्योर क्या है? श्योर का क्या मतलब है? सस्टेनेबल रिजोल्यूशन, SURE इज अ कमिटमेंट बाई इंडियंस अपैरल इंडस्ट्री, मीन्स कपड़े वाली इंडस्ट्री का क्या है कमिटमेंट है टू सेट अ सस्टेनेबल पाथवे फॉर इंडियन फैशन टेक्स फैशन इंडस्ट्री। मैंने कल भी आपको बताया था कि मैंने कहीं पढ़ा था कि 2700 लीटर पानी चाहिए होता है एक कॉटन की शर्ट बनाने के लिए, तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा पानी का वेस्टेज होता है, वेस्टेज मीन्स यूज़ होता है इंडियन की फैशन इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो ये किसने लॉन्च किया प्रोजेक्ट श्योर? यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्रीज अलॉन्ग विद क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशन इन इंडिया एंड IMG रिलायंस, ठीक है। देन इज चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स, देखिए मैंने छोड़ा कुछ नहीं है बट हाँ मैंने क्रिस्प नोट्स बनाए हैं आप लोग के लिए, तो इन पर एक बार ध्यान दीजिएगा। चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स किसने रिलीज किया? रिलीज बाय नॉन गवर्नमेंट NGO वर्ल्ड विजन इंडिया एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट IFMR लीड, ठीक है, इन दोनों ने रिलीज किया है। एम क्या है इसका? वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंडेक्स इज टू गार्नर अटेंशन ऑफ द अंडर रिसर्च थीम ऑफ चाइल्ड वेलबींग इन इंडिया। जो अंडर रिसर्च थीम है ना कि चाइल्ड की ओवरऑल वेलबींग होनी चाहिए, एंड इंस्पायर फर्दर एकेडमिक एंड पॉलिसी कन्वर्जेशन और रिलेटेड इशूज, कि जो भी पॉलिसीज उस तरीके से बनेगी, बजट एलोकेशन होगा, तो वो इसकी तरफ ध्यान दे, क्योंकि ऑब्वियसली कोई चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं ना ये लोग, तो फिर उसके बाद ये मांगते हैं कि गवर्नमेंट इनको अटेंशन दे उस पॉइंट पे। तो डायमेंशन ऑफ दिस इंडेक्स का क्या है? हेल्दी इंडिविजुअल डेवलपमेंट, ये सिर्फ ये नहीं बोल रहा, इसकी ओवरऑल वेलबींग, जैसे हेल्थ की एक डेफिनेशन है ना कि हेल्थ की डेफिनेशन है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड स्पिरिचुअल, हर तरह की वेलबींग होनी चाहिए बंदे की, नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज, ठीक है। तो इसके भी इंडेक्स ये है कि हेल्दी इंडिविजुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड प्रोटेक्टिव कॉन्टेक्स्ट, तो इसमें केरला, तमिलनाडु एंड हिमाचल ने टॉप किया है, ठीक है, इस जो इंडेक्स में, वाइल मेघालय, झारखंड एंड MP बॉटम में आए हैं, MP मीन्स मध्य प्रदेश। देन इस नो इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया गया कि नो रिलेशन इन स्टेट परफॉर्मिंग वेल इन ओवरऑल चाइल्ड बींग एंड हेल्थ इंडिकेटर्स, कि ये बोल रहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेट्स ओवरऑल हेल्थ बींग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके हेल्थ इंडिकेटर्स में भी बढ़िया ही कर रहे हूँ, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। देन इस जन औषधि सुगम, जन औषधि सुगम क्या है? एक मोबाइल ऐप है, ठीक है, किसने लॉन्च की है? मोबाइल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ये किस लिए? कि एम्स टू इनेबल पीपल टू सर्च जन औषधि जेनेरिक मेडिसिन ऑनलाइन, जो सर्च कर सकते हैं। अब हम आप पूछोगे जेनेरिक मेडिसिन क्या होते हैं? जेनेरिक मेडिसिन अनब्रांडेड मेडिसिन हैं जो इक्वली सेफ होती हैं एंड हैविंग सेम एफिशिएंसी एज दैट ऑफ ब्रांडेड मेडिसिन। ब्रांडेड मेडिसिन बहुत महंगी आती है, ये इसीलिए ये जेनेरिक है, एफिशिएंसी उनकी सेम होती है एंड इक्वली सेफ होती है। तो ये किसने जन औषधि सुगम किसके अंडर है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है, अ कैंपेन लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, क्या किस लिए? टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू मासेस थ्रू स्पेशल केंद्र, जिन्हें हम जन औषधि केंद्र भी कहते हैं। ये जन औषधि केंद्र की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इस स्कीम की, कौन है? ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर यूनिट, ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया, ये भी एस्टैब्लिश अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ही है, क्लियर। देन इज अबाउट सिक्योरिटी फोर्सेज, सिक्योरिटी फोर्सेज अभी मैंने काफ़ी ही छोटा लिख दिया। पहला है SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, हम डिस्कस कर चुके हैं। देन इज Z+, देन इज Z, देन इज Y, देन इज X, ये सिक्योरिटी के मैंने ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस लिख दिया कि सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी कौन सी होती है, देन Z+, देन Z सिक्योरिटी, देन Y सिक्योरिटी, देन X सिक्योरिटी। जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप था ये कब फॉर्म हुआ था? इन 1985, ये मैंने आपको MCQs में भी पूछा हुआ है अगर आपको ध्यान है तो, 1985 में अंडर SPG एक्ट ऑफ 1988, SPG एक्ट 1988 बाद में पास हुआ था, ये पहले फॉर्म हो गया था, क्यों? क्योंकि असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी हुआ था। इसके अंडर ओरिजिनली तो ये सिर्फ प्रधानमंत्री को ही दिया जाता था, बट लेटर जब राजीव गांधी का भी असैसिनेशन हो गया 1991 में, तब ये इमीडिएट फैमिली ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को भी एक्सटेंड कर दिया गया, इमीडिएट फैमिली जैसे वाइफ, सन, डॉटर। और आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फिलहाल के टाइम SPG कवर आज के टाइम किस किस को दिया गया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी ना, एक्सपेक्ट यू टू आंसर दिस। देन इज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ HRD मिनिस्ट्री का है।
अंडर एजेस ऑफ नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी NMEICT, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, मिशन है एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ICT। किसने डेवलप किया? IIT खड़गपुर ने। एम क्या है कि डिजिटल रिपोजिटरी इंडिया एंड अब्रॉड, ठीक है, ये एक डिजिटल रिपोजिटरी मीन्स डिजिटल डाटा का कलेक्शन है, जो भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी जैसे लाइब्रेरी का, बेसिकली एक लाइब्रेरी को इन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी बना दिया है, तो जो भी इंडिया और अब्रॉड में प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं ना, उनकी लाइब्रेरी की सारी इन्फॉर्मेशन रखता है। कोलेट्स मेटाडाटा फ्रॉम प्रीमियर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड, मेक्स क्वालिटी लर्निंग रिसोर्स अवेलेबल, जो भी क्वालिटी लर्निंग के रिसोर्सेज हैं उनको अवेलेबल कराएगा। ये नेशनल मिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, टू लेवरेज पोटेंशियल, बट उसका जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का उसको बढ़ाएगा, ये लेवरेज बढ़ाएगा उसका इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस फॉर बेनिफिट्स ऑफ ऑल लर्नर्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पे। कॉम्पोनेंट्स क्या है? प्रोवाइड कनेक्टिविटी, ठीक है, इसमें प्रोवाइड कनेक्टिविटी करेगा। क्यों, कैसे करेगा? एक्सटेंड कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कंप्यूटर अवेलेबल कराएगा, एक्सटेंड कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। कंप्यूटर होगा तो कनेक्टिविटी भी चाहिए, इंटरनेट, ठीक है, तो इट विल इन्हांस लास्ट माइल कनेक्टिविटी। दिस इज अ गुड फ्रेज, टू इन्हांस लास्ट माइल कनेक्टिविटी अलॉन्ग विद प्रोविजन फॉर एक्सेस डिवाइसेज टू इंस्टीट्यूशंस एंड लर्नर्स एंड कॉन्टेंट जनरेशन को भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है। देन इज ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ये आज सुबह के ही MCQs में मैंने आपको बताया है, ये कहाँ पे होता है? इट इज़ हेल्ड एवरी ईयर इन रशिया, जो सुबह के उसमें था उसमें मैंने बाइनियल लिखा था, दो बार होता है साल में, पर नहीं, ये एक साल में होता है। एंड क्यों होता है? टू एनकरेज फॉरन इन्वेस्टमेंट्स इन रशिया। अभी इसके जो गेस्ट थे कौन गए हैं ये मैंने सुबह बताया, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो दो क्वेश्चन हो गए कॉमेंट सेक्शन के लिए। GS3 रीडिस्कवरिंग डेवलपमेंट बैंक्स, ये मैं आपको सेपरेट लेक्चर में दूंगी, क्योंकि एक मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगा, तो ये एक डिटेल मांगता है। देन इज प्रीलिम्स फैक्ट, प्रीलिम्स फैक्ट के एक दो मैं आपको बता देती हूँ। ये गुटी टारेंटुला है, ये भी मैंने सुबह पूछा था। IUCN की कैटेगरी के अनुसार दिस इज कम्स इन क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड दिस इज एंडेमिक टू इंडिया। नेक्स्ट इज इंडोनेशिया कैपिटल, इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल जकार्ता से ईस्ट कालीमाटन की तरफ शिफ्ट कर दी। ये देखिए ये इंडोनेशिया है, ये जकार्ता है, दिस इज ईस्ट कालीमाटन, यहाँ पे शिफ्ट कर दी है। क्यों? दिस इज लीस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड ऑफ बोर्नियो, आइलैंड ऑफ बोर्नियो है, लीस्ट पॉपुलेटेड है, क्यों शिफ्ट कर दी? अब ऑब्वियसली लीस्ट पॉपुलेटेड की तरफ जाए तो रीज़न भी इसका यही होगा ना कि रिड्यूस बर्डन ऑन जकार्ता, जैसे हमारी दिल्ली की एयर क्वालिटी नीचे जाती जा रही है, तो उस तरह का ही जकार्ता